अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं जमीला अहमद और आप देख रहे हैं वाना टू आर ओनर। दोस्तों हमारे पास साइकिल एक आई है, जो कोई भी साइकिल हो आपकी जो क्या ठीक है। तो दोस्तों इसका ये मसला है कि देखें, ट्यूब इसकी बिल्कुल न्यू है, इसमें एक पंचर भी नहीं लगा। बहरहाल इसकी अगर ये नलकी देखें, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। आपने वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको समझ आ जाए, फिर आपने अगर वीडियो छोड़नी तो बेशक छोड़ के भागिएगा। ये ट्यूब अब इसकी बिल्कुल नहीं है, तो ये देखें इसकी यहाँ से नलकी लीक आ रही है, ठीक है। ये नलकी बिल्कुल ज़ोर से नहीं है, यहाँ से लीक आ रही है। अब दोस्तों अगर मैं इसकी नई ट्यूब डालता हूँ तो 450 रुपये तकरीबन ट्यूब डलती है। तो अगर आप पैसे अपने बचाना चाहते हैं, ये नलकी रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, अब बिल्कुल ट्यूब नहीं है और नलकी यहाँ से लीक है, इसको पंचर भी नहीं लगता, बहरहाल ये कि इसको रिपेयर करने का तरीका बताता हूँ। और दोस्तों लाइफ टाइम चलने वाली जो मैं आपको काम करने करके दिखाऊँ, ये नहीं होगा कि अगर मैं भी इसको मतलब ये नलकी अगर चेंज करूँगा, जो भी करूँगा, जो काम करूँगा, तो वो लाइफ टाइम आपका नहीं चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा। बाकी ट्यूब आपकी सारी फारिग हो जाएगी, बहरहाल आपकी नलकी नहीं लीक होगी, इसकी गारंटी होगी। आपने लगानी किस तरीके से दोस्तों, उसमें क्या प्रोसेस होता है, ये मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो आपने ध्यान से देखनी है ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कोशिश करूंगा कि जब अगर आप लगाएंगे तो आपके बहुत कम से कम खर्चा आएगा, ठीक है। मैं तो इस बंदे से लूँगा 120 रुपये नलकी रिप्लेसमेंट करने के, ठीक है। तो आप जब खुद करेंगे तो आपके हो सकता है 20 रुपये भी ना लगें। तो अब दोस्तों ये देख लें, आपके सामने यहाँ से लीक है, बाकी ट्यूब बिल्कुल सही है, देखिए बबलियाँ बन रही हैं, ठीक है। नलकी टेढ़ी करता हूँ यहाँ से, इसको ये नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ से क्रैक हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसको सही किस तरीके से करें दोस्तों, आपने वायर निकाल देनी है, ठीक है, वहाँ मारी निकल गई है। तो इसको दोस्तों आपने नलकी को ना बिल्कुल आराम से सुकून के साथ आपने इसको अलग करना है। हमने नलकी उतारनी है बिल्कुल, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अलग करना है कि हमारी ट्यूब कहीं और से डैमेज ना हो, बिल्कुल नलकी के साथ साथ से हाली बात उतरे, ठीक है। तो उसको हम किसी ब्लेड शेड के साथ उतार दें, किसी भी चीज़ का जो हमें बेहतर लगेगा हम उससे करेंगे। तो आपने बिल्कुल आराम सुकून से ये करनी है। तो दोस्तों आपने ये प्लास ले लेना है, प्लास ले के ना आपने नलकी ऐसे यहाँ से पकड़नी है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे आपने नलकी ऐसे यहाँ से दबाना है तो ये आपकी बिल्कुल हाली नलकी हाली उतरेगी, बाकी आपकी ट्यूब खराब नहीं होगी, ठीक है। देखें अब इस तरफ से हमारी उतर गई है ये, ठीक है। अभी हमने इस तरह टेढ़ा करना है तो हल्की सी, ताकि हमारी ट्यूब बिल्कुल डैमेज ना हो, ठीक है, सिर्फ हमारी नलकी उतरे, ये हमारी नलकी उतर गई है, ठीक है। देख सकते हैं कि ट्यूब हमारी डैमेज नहीं हुई। अब दोस्तों आपने क्या करना है कि इसको आपने रगड़ाई करनी है, रगड़ाई वाला ब्रश तो आपके पास होगा ही, तो आपने इसको रगड़ाई करनी है। ये जो इसकी जो ये सतह ना सारी, ये बराबर आपने प्लेन कर देनी है। अभी देखें कहीं से ऊपर है कहीं से नीचे है, तो इसको मैं सतह बराबर करता हूँ। तो अभी आप देखें जरा, ऐसे आपने पकड़ना है इसको, ठीक है, ऐसे आपने इसको रेगमार के साथ रगड़ाई करनी है। ये है, ठीक है, नहीं है तो आपको रेगमार वगैरह ले लें, कोई चीज़ ले लें जिससे आपकी रगड़ाई हो जाए। तो ये हाल इसकी जगह आपने प्लेन करनी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। साइकिल में बहुत आराम सुकून से मतलब ये काम हो जाता है, मोटरसाइकिल का थोड़ा सा मुश्किल होता है। साइकिल में ये है कि साइकिल अगर आपकी नलकी टूट जाती है तो आप इसको आराम सुकून से रिपेयर कर सकते हैं, कोई इसमें मसला परेशानी नहीं है। वालेकुम सलाम। अच्छा ये दोस्तों आपने बिल्कुल इस तरीके से मतलब प्लेन कर देनी जगह, अभी ये देखें जगह हमारी बिल्कुल प्लेन हुई है, ठीक है। तो ये एक दोस्तों होती है हमारी मोटरसाइकिल की पुरानी ट्यूब होती है, उसकी नोजल है, ठीक है। ये नोजल आपने ले लेनी है, कोई भी ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, कहाँ से मतलब मिलेगी, कहीं भी मोटरसाइकिल दुकान पर आप जाके तो ये पुरानी नोजल ले सकते हैं, जो कि फ्री में समझ लो मिल जाती है, ठीक है। तो इसको आपने नट खोल देना, ये वाला ये नट इसको आपने उतार देना है, और रिवाचल भी उतार देनी है, ठीक है, ठीक है, ये मैंने उतार दिया है। अब दोस्तों आपने इसको जो इसको ये ना बिल्कुल गुलाई आपने काटनी है इस तरीके से, देखें ये ऐसे करके, ये ठीक है, इस तरीके से आपने इसको काट लेना है, इस तरह आपने नोजल बना देनी है, ठीक है। तो ये आपने बड़े प्यार से लगानी है ट्यूब में, किस तरीके से भी आप देखें ज़रा, यहाँ से आपने ट्यूब को पकड़ना है ऐसे करके, और नोज़ प्लास है, प्लास लेके तो आप आराम से कौन से लगा सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ये देखें ऐसे आपने इसको पकड़ना है नोज़ प्लास में, ऐसे करके ना आपने इसको ध्यान से लगाना है, बहुत ज़्यादा जोर लगाया तो आपकी ट्यूब सारी चिर जाएगी, ठीक है, चिर समझते हैं फट जाएगी सारी। ये आपने ऐसे करके ऐसे इसको घुमा के आराम से कौन से ऐसे करके घुमा के आपने इस ट्यूब के अंदर डालनी है, ठीक है। ये देखिए भी हमारी इस ट्यूब के अंदर डल गई है। तो अगर तो दोस्तों आपका पंचर है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, तो उसको मैं वैसे प्रॉपर बताता हूँ। वैसे आपने अगर आपके अगर पंचर नहीं है, फिर आपने सिंपल ये वाशर ऊपर रखनी है ऐसे करके, ये वाशर आपने ऊपर रख के इसके ऊपर आपने सिंपल नट लगा देना है, ठीक है। तो अगर पंचर आगे बस है फिर तो बहुत अच्छी बात है, इस नोजल को आप इस तरह अंदर करें, ठीक है, ये ट्यूब के बिल्कुल अंदर कर देता हूँ मैं, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसके ऊपर दोस्तों ये मिट्टी लग गई है, ठीक है, तो इसको हल्का सा मैं रेगमार और करता कि मिट्टी मारी उतर जाए ऊपर से, ये हमारी मिट्टी उतर गई। अब इसके ऊपर हमने लगाना है पंचर, ठीक है, तो पहले लगाते हैं इसकी ट्यूब किधर गई, ये लगाइए जी,
अगर पंचर ना भी लगाएं तो आपका काम चल जाना है। बहरहाल ये कि पंचर लगाते हैं इससे ये होता है कि और मजबूती हो जाती है, ठीक है। तो ये पंचर खोल दिया, ये पंचर हमारा लागे, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करते हैं ताकि ये हमारा यहाँ चिपक जाए पंचर अच्छे तरीके से। ठीक है जी, ये हमारा पंचर लागे यहाँ पे। अब ये है कि हमारी ट्यूब पूरी पूरी हो गई। अभी आपने नलकी ढूंढनी है, नलकी इसके अंदर ही है ट्यूब के अंदर। तो ये नलकी आपने बिल्कुल इसका रुख सीधा करना है जहाँ पे आपका सुराख पहले हुआ हुआ था। तो ये ऐसे करके आपने नलकी को हल्का सा ऊपर कर देना है, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। अब ये नलकी हमारी बिल्कुल ट्यूब के ऊपर सीधी हो गई है, जो सुराख अंदर है वो सुराख की जगह पर आई हुई है, देखें, ठीक है। इसके ऊपर हम कुछ चाबी चाबी मारेंगे कुछ भी, तो हमारी यहाँ से सुराख बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा सुराख बन गया है। अब सिर्फ इसके जितना नलकी के जितना हमारा सुराख हुआ है, ठीक है। इसको नलकी को आपने बिल्कुल ऊपर कर लेना है, ऐसे ऊपर करके आपने इसके ऊपर रखनी है वाशर। वाशर रख के आपने इसके ऊपर नट लगा देना है और इसको नट को आपने अच्छे तरीके से टाइट करना है। अभी मैं आपको चेक भी करूँगा पानी में कैसा रिजल्ट दे रही है। तो इसमें दोस्तों एक और भी बात होती है कि अब ये देखें, ये हमारी मोटरसाइकिल की है ना, तो इसमें मोटरसाइकिल का वाल लगेगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं यार हमने इसमें साइकिल का वाल लगाना है, ठीक है, बाद वो जो हमारे पंप आते हैं उसमें उनमें ये सिस्टम नहीं होता, मोटरसाइकिल वाला नहीं होता, तो खाली साइकिल वाला होता है। वो भी मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में, आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। तो अब इसको मैंने ये अच्छे तरीके से टाइट कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपने प्लास से पकड़ लेनी है नलकी को और यहाँ से 12 की चाबी से तो आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। तो ये दोस्तों अभी हमारी नलकी लग चुकी है, ठीक है। अभी इसमें फिलहाल मोटरसाइकिल वाला वाल लगा के पहले आपको चेक कराता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपने ये अगर चाहते हैं कि साइकिल का अगर वाल इसमें लगाएं तो किस तरह लगाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये मोटरसाइकिल का वाल लगाता हूँ इसमें। तो ये मोटरसाइकिल का वाल है, ये मैंने इसके अंदर ऐसे लगाया है। अब इसको मैं टाइट करता हूँ, ठीक है, ये टाइट हो गया। अभी इसमें वाह भरते हैं, वाह भर के आपको इसको चेक कराते हैं पंचर हमारी नलकी लीक तो नहीं कर रही, ठीक है। तो ये वाह भर दिए, ये वाह हमारी भर गई है, ठीक है। तो ये जो इसका ये पंचर हमने लगाया ना, ये अगर यहाँ से उखड़ भी जाता है तो इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई भी इससे परेशानी नहीं है। हमारी नलकी बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट हुई है। अभी मैं आपको पानी में चेक करा तो इसको टेढ़ी मेढ़ी करके जितनी मर्जी आप इसको टेढ़ी करें, इंशाल्लाह ये लीक नहीं करे, ये इतना पक्का मतलब जुगाड़ होता है। ये देखें अभी इसमें से कोई भी हवा नहीं निकल रही, ये देखें कोई बबल वगैरह नहीं बन रहा है। ये हमारा बिल्कुल मतलब है कि हमारी नलकी फिट हो गई, सही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो हमारी दोस्तों नलकी लग गई है। अभी हम चाहते हैं कि नहीं यार हमने इसमें साइकिल का वाल लगाना है, तो अब साइकिल का वाल इसमें किस तरीके से लगेगा ये भी आप देख रहे हैं इसी वीडियो में। ये वाल मोटरसाइकिल वाले इसमें खोलते हैं, ये हमने वाल खोल दिया, ठीक है। तो दोस्तों अगर साइकिल का हम वाल इसमें लगाते हैं, ये साइकिल का वाल है, चाइना वाल, ठीक है, ये अगर हम लगाते हैं, ये हमने लगा दिया है, इसके ऊपर अगर हम ये नट लगाते हैं तो हमारा नट नहीं लग रहा, ये देखें, ठीक है, ये नहीं लग रहा। तो इस सूरत में दोस्तों आपने क्या करना है, नोज ब्लास्ट ही आपने ले लेना है। तो आपने इसके अंदर यहाँ नलकी के अंदर इस तरीके से नोज ब्लास्ट घुमाना है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, दो तीन दफ़ा आप घुमा दें अच्छे तरीके से। ठीक है जी, ये नोज ब्लास्ट हमने घुमा दिया इसके अंदर। अब वाल लगा के मैं आपको चेक करता हूँ, देखिए हमने ये वाल लगाया, ठीक है। तो ये अब इसके ऊपर हम नट लगाते हैं, ठीक है, ये हमारा अब साइकिल का वाल लग गया है। अब मैं ये भी आपको फिर दोबारा वहाँ भर के चेक करा देता हूँ, ये वाल वगैरह लीक तो नहीं है, वाल लीक होगा तो बबल बनेगा। ये देखें, ठीक है, बिल्कुल हमारी नोजल इस तरह हो गई है कि बिल्कुल अभी हमारा मतलब कम खर्चे में हमारा काम बिल्कुल A1 हो गया, ठीक है। तो इस दोस्तों वीडियो में मैंने यही कुछ बताना था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक मारें फटाफट, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस बस आने मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।